हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सब ठीक है? तो हम लोगों ने सुबह, ठीक है, हम लोगों ने हमारे पहला सेशन खत्म किया, फर्स्ट सेशन, पार्ट वन पार्ट टू हम लोगों ने खत्म किया। हम लोग कोर ऑडिट प्रोसेस देख चुके हैं। हमने ऐसे 200 के क्वेश्चंस देखे, ऐसे 210 के क्वेश्चंस देखे, ऐसे 220 के क्वेश्चन देखे, ऐसे 230 के क्वेश्चन देखे, हम लोगों ने ऐसे 240 के क्वेश्चंस देखे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे और उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा, जरूरत पड़ी तो फिर से देखा, और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, हमको बहुत चीज़ें बहुत सारी करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू ऐसे 250, कम 250। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। कौन सी चीजों को देखकर लगता है कि कंपनी में कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ होगा? ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल। तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स पे जाना है। एक्स्ट्रा नोट्स पे आप जाएंगे तो आप लोगों को, एक्स्ट्रा नोट्स पे अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को पेज नंबर 1.3 पे, पेज नंबर 1.3 पे आपको दिखेगा, आपको मिलेगा वहां पे इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, आप लोगों को मिलेगा फटाफट। ठीक है, तो वहां पे देखिए, जहां जहां पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास में इसका बेहतर शॉर्टकट है, कुछ और है एज कंपेयर टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बैंक, तो मैंने बहुत ध्यान रखकर रिसर्च करके उन चीजों को मैंने अलग से एक्स्ट्रा नोट्स में डाल दिया है, और पीडीएफ में लिखा भी है कि एक्स्ट्रा नोट्स रेफर करें। ठीक है, चलिए, तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो वहां पे सी पपेट, अगर आपको कंपनी में नॉन कंप्लायंस पकड़ना है तो आपने देखना है कहां पे गड़बड़ हुई है, लॉ के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आपने देखना चाहिए सी पपेट शो, कठपुतली का शो देखो। कठपुतली का शो देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा किसने लॉ तोड़ा है, क्या लॉ तोड़ा है। ठीक है, शॉर्टकट है वो सी पपेट। सी स्टैंड्स फॉर कंट्री। अगर मुझे दिख रहा है कि गुड्स गुड्स ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और पेमेंट चाइना में हो रहा है, गुड्स एक कंट्री से आ रहे हैं और पेमेंट दूसरे कंट्री को हो रहा है, ये बहुत अजीबो गरीब है, अजीबो गरीब है, जनरली ऐसा होता नहीं है। जानबूझकर, शायद जानबूझकर कंट्री वाइज कस्टम ड्यूटी बदलती है, कंट्री वाइज कस्टम ड्यूटी बदलती है। ठीक है, इसीलिए शायद बदलती है कभी कभी, इसीलिए शायद। ठीक है, दिखा रहे हैं कि गुड्स एक कंट्री से आ रहे हैं शायद, जिसकी कस्टम ड्यूटी कम हो, और पेमेंट दूसरे कंट्री को है शायद। ठीक है, शायद जानबूझकर कस्टम्स एक्ट को तोड़ा जा रहा है, इट्स इंडिकेटर कि कस्टम्स एक्ट तोड़ा गया। सी स्टैंड फॉर कंट्री, हम देख रहे हैं कि गुड्स एक कंट्री से आ रहे हैं और पेमेंट दूसरे कंट्री को जा रहा है, जानबूझ के शायद कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देयर इज चांस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ कस्टम ड्यूटी, इट इज ए इंडिकेटर, इट इज ए इंडिकेटर कि कस्टम्स लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है। कस्टम्स लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है उसका इंडिकेटर है। देन सी पपेट, सी अगेन स्टैंड फॉर कैश पेमेंट्स। जब बहुत सारे कैश पेमेंट्स होते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कैश पेमेंट्स हो रहे, कैश पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बेरर चेक में पेमेंट हो रहे हैं, हमको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली किसको पेमेंट हो रहा है, किसको पे हो रहा है और क्यों पे हो रहा है। इलीगल पेमेंट हो सकते हैं, ब्राइब हो सकता है, बहुत सारे कैश पेमेंट इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, पी स्टैंड फॉर सी पपेट, करेक्ट। पी स्टैंड फॉर पेमेंट्स, पेमेंट्स है, पेमेंट दिख रहा है किसको हुआ है,
पेमेंट्स डायरेक्टर स्कोर है, डायरेक्टर स्कोर है, रिलेटेड पार्टी स्कोर है, ऑफिसर स्कोर है, एम्प्लॉय स्कोर है, लेकिन पेमेंट्स पता है लेकिन अनस्पेसिफाइड सर्विसेस जानबूझकर, कुछ पेमेंट्स प्रोहिबिटेड है, कुछ तरह के पेमेंट्स प्रोहिबिटेड है, डायरेक्टर्स को, रिलेटेड पार्टी को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर सबको प्रोहिबिटेड है, जानबूझकर कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, कंपनी क्राइम का नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, पकड़े ना जाए, इसीलिए ठीक है उसको छुपाया गया है। उसका जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ पेमेंट है, कौन सी सर्विस है, उसको छुपाया गया है। इट्स अ इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यू स्टैंड फॉर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, ठीक है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, बड़े बड़े सीनियर्स को पता होता है जिस ट्रांजेक्शन में गड़बड़ है उस पर साइन ही नहीं करते। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन इज अ इंडिकेटर कुछ तो गड़बड़ है, देर कैन बी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। पी स्टैंड फॉर प्राइजेस, ठीक है, दुबई में बहुत महंगे में खरीद रहा है, सस्ते में बेच रहा है, दुबई से महंगे में खरीद रहे, सस्ते में बेच रहे, इंडिया में लॉस ला रहे, इंडिया में लॉस ला रहे, दुबई के बाहर प्रॉफिट ला रहे, करेक्ट, क्योंकि दुबई के अंदर इनकम टैक्स के ऊपर, दुबई के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। ऐसे प्राइजेस में बहुत डिफरेंस रहना, इट्स ए इंडिकेटर कि प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एजेंट फीस, पपेट, एजेंट फीस बहुत ज्यादा हेवी पे कर रहे हैं, बहुत सारे लॉज में एजेंट फीस के ऊपर अपर लिमिट है, ठीक है, आपके कंपनीज एक्ट में है, कितना ब्रोकर आप दे, ब्रोकर जो दे सकते, कंपनीज एक्ट में है, सेबी के इसमें है, आईआरडीए में है, एजेंट को आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमीशन दे सकते हो, ज्यादा पेमेंट किया है, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन, आईआरडीए रेगुलेशन। टी स्टैंड फॉर टैक्स हेवेंस, देखो टैक्स हेवेंस वर्ड को हाईलाइट करो, नॉट ट्रांजेक्शन, टैक्स हेवेंस, ऐसे देश जहां पर टैक्स ही बहुत ज्यादा छूट होती है, बहुत ज्यादा छूट है, ठीक है, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, दुबई, उसको टैक्स हेवेंस, ऐसे देशों के साथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। पपेट, ई स्टैंड फॉर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज खरीदा बेचा लेकिन उसके डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहे, हो सकता है फेमा एक्ट थोड़ा है, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, बहुत ही आसान है, ठीक है। सी पपेट शो, सी स्टैंड फॉर कंट्री, एक देश से गुड्स दूसरे देश में पेमेंट, कुछ तो गड़बड़ है, कस्टम्स एक्ट थोड़ा, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। सी स्टैंड फॉर कैश पेमेंट से, पता नहीं क्यों इतने कैश पेमेंट से मेरे पेमेंट है, कुछ तो गड़बड़ है, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पेमेंट्स है लेकिन क्यों पेमेंट किया वो पता नहीं है, क्यों पेमेंट किया वो पता नहीं है, ठीक है, गड़बड़ है, कंपनीज एक्ट थोड़ा, हो सकता है, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। देन अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, जानबूझ के साइन नहीं किया है, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। देन प्राइजेस बहुत कम ज्यादा है, इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा, इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। एजेंट फीस बहुत ज्यादा पेमेंट किया है, अपर लिमिट तोड़ी होगी, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। टैक्स हेवन के साथ बहुत ट्रांजेक्शन है, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फेमा एक्ट तोड़ा होगा, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। देखो याद रखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, आपको शॉर्टकट बताया मैंने, निमोनिक बताया आप लोगों को, शॉर्टकट बताया आप लोगों को, निमोनिक मैंने बताया, नो फिर और भी कुछ सोच के देखिए, नॉन कंप्लायंस के बाद में कौन सी चीजें होती होगी, ठीक है, जैसी कंपनी नॉन कंप्लायंस करे क्या होता होगा, ठीक है, अथॉरिटीज से कोर्ट से जगह जगह से नोटिसेस आते होंगे, शो कॉज नोटिसेस, नोटिसेस शो कॉज नोटिसेस, एक्सप्लेनेशन दो, तोड़ोगे लॉ तो अथॉरिटीज आपसे जवाब मांगेंगे, बहुत सारे नोटिसेस आना, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। नोटिसेस आने के बाद बहुत सारे लॉयर्स अपॉइंट करना, बहुत हेवी पेमेंट्स होना, लीगल फीस, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। मीडिया में बहुत ज्यादा, मीडिया में लॉयर्स को अपॉइंट किया, अचानक बहुत सारे फाइल्स, कुछ फाइल्स जहां पे नॉन कंप्लायंस का शक था वो फाइल्स गायब हो गई, वो डिलीट हो गई, जानबूझ के गायब की है, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। एडवर्स मीडिया रिपोर्ट्स है, मीडिया वाले बुराई कर रहे हैं, इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। लॉ तोड़ने के बाद में बहुत सारे शो कॉज नोटिस आना, ये भी इंडिकेटर है, लॉयर्स को अपॉइंट करना इंडिकेटर है, फाइलें गायब हो जाना इंडिकेटर है, आखिरी में एडवर्स मीडिया कॉन्टेंट इंडिकेटर है, ऑल दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। देन 299 पे आइए, लास्ट लास्ट स्टैंडर्ड, लास्ट स्टैंडर्ड है हमारा, ऐसे 299 बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्वाइंट ऑडिट पे, जब दो या ज्यादा लोग मिलकर ऑडिट करते हैं तो उसको हम लोग ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट में जितने भी ज्वाइंट ऑडिटर्स है वो लोग सब लोग मिलकर एक साथ ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, ठीक है। कभी कभी कुछ कंपनी जितनी बड़ी होती है,
इतनी बड़ी होती है कि एक सीए फर्म के रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। जॉइंट ऑडिट से फायदा क्या होता है, इतने बड़े ऑडिट, रिलायंस जैसे कंपनी का ऑडिट करना है, एक फर्म के रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। इतने सारे लोग चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए, इतनी सारी मशीन्स चाहिए, इतने सारे मैनेजर्स चाहिए, तो पूलिंग ऑफ, जॉइंट ऑडिट क्या काम आता है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, पूल एडवांटेज है, पूलिंग हो जाती है। उसके बाद में ये लोग जब काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स एक मेक से डिस्कस कर लेते हैं, म्यूचुअल कंसल्टेशन होते हैं, बहुत ही बढ़िया, दे लॉट ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, म्यूचुअल कंसल्टेशन आपस में बातचीत करके काम करते हैं, बोले बहुत बढ़िया। वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, वर्कलोड डिवाइड होता है, काम फटाफट होता है, ज्यादा लोग, ज्यादा एक्सपर्टीज है, म्यूचुअल कंसल्टेशन है, काम डिवाइड होता है, क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्वालिटी इज गोइंग टू इंप्रूव, ठीक है। साथ में रिसोर्सेस काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस, देखिए मैं थोड़ी सी सीक्वेंस बदल रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि जो सीक्वेंस में बदल सकता हूँ मैं बदल देता हूँ। एडवांटेज, जब दो या ज्यादा जॉइंट फर्म एक साथ आते हैं तो इट पूल रिसोर्सेस, लोग सारे एक साथ आ रहे हैं, एक साथ एडवांटेज है, इतने हमको ज्यादा लोग मिलते काम करने के लिए, ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज होती है, वर्कलोड डिवाइड होता है, काम फटाफट होता है, ठीक है। दूसरा, काम फटाफट होता है, फिर जब ये लोग साथ में काम करते हैं, एक में को कंसल्ट करते, बातचीत करते, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव, क्लाइंट को जो सर्विसेज मिल रहे हैं वो भी इंप्रूव होता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दोनों को फायदा है। लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक ही फर्म ज्यादा 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 एम्प्लॉयज को लगाएगा, उनको और ट्रेन करना पड़ता है, ज्वाइंट ऑडिट में क्या होता है, ट्रेंड एम्प्लॉयज ऑलरेडी आ गए तो खर्चा कम हो जाता है, ट्रेनिंग का खर्चा, डेवलपमेंट का खर्चा कम हो जाता है, काम करने का खर्चा भी कम हो जाता है। कैसे सर, कंपनी के ऑपरेशन चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, हमने चारों दिशाओं के लिए चार फर्म रख दी, ईस्ट के लिए ईस्ट की, वेस्ट के लिए वेस्ट की, साउथ के लिए साउथ की, नॉर्थ के लिए नॉर्थ की, इससे क्या हो गया, सब वही के वही है, ट्रैवलिंग कम हो गई, इट रिड्यूसेस कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट कम होता है, काम करने का खर्चा कम होता है, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, कोई भी निग्लेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि पता है भाई मुझे रिप्लेस करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। फिर एसपी मतलब स्पेशल, स्पेशल नंबर वन, अगर टेक ओवर होता है, ठीक है, टेक ओवर होता है, कंपनी का टेक ओवर होता है, कोई नया लोग आते हैं कंपनी को चलाने के लिए, अब नए लोग हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर से कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक काम कर सकते हैं कि जिस ऑडिटर के साथ वो कंफर्टेबल है, वो अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, ठीक है, उस बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, तो जॉइंट ऑडिट की मदद से ऑडिटर कंप्लीटली बदलना पड़े ऐसा नहीं है, ज्वाइंट ऑडिटर की मदद ले सकते हैं। मल्टीनेशनल्स, मल्टीनेशनल के बिजनेसेस, बहुत सारे मल्टीनेशनल के बिजनेसेस हो सकता है तीन कंट्रीज में हो, अब एक बंदे को तीनों कंट्री का नॉलेज नहीं है, तो एक काम करते हैं, तीनों बंदों को, तीनों तीनों, ठीक है, जगह पे जो बंदे हैं, तीनों हर देश का एक एक बंदा उठाते हैं, ज्वाइंट ऑडिटर बनाते हैं, इससे क्या होगा कि हर देश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्या बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत सिंपल सिंपल एडवांटेज थे, ठीक है। इतना बड़ा काम करना है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज होती है, बहुत बढ़िया, काम फटाफट होता है, ठीक है, म्यूचुअल कंसल्टेशन होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्स, ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाते हैं, खर्चे कम होते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट कम होता है, डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाता है सब, डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूसेस, और उसके बाद में काम करना खर्चा भी कम होता है, ट्रैवलिंग कम हो जाती है। स्पेशल नंबर वन, टेक ओवर हुआ तो चिंता की बात नहीं है, टेक ओवर हुआ तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है, जो ऑडिटर के ऊपर हमको विश्वास है उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं एज ए ज्वाइंट ऑडिट, बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मल्टीनेशनल्स है, अलग अलग देश में है, एक बंदे को पूरे देश, तीनों देश का नॉलेज नहीं है, तीन ज्वाइंट ऑडिटर रखो हर देश के लिए, करेक्ट, इससे क्या होगा कि काम अच्छे से होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है, प्रॉब्लम्स भी है, डिसएडवांटेज क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी है साहब, देखिए मैं फटाफट नंबरिंग कर दूंगा,
प्रॉब्लम्स भी हो सकते साहब। प्रॉब्लम नंबर वन ध्यान देंगे, प्रॉब्लम नंबर वन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साहब, ठीक है। जब दो दो फर्म्स आपस में मिलने के, जब दो फर्म्स आपस में काम करने के लिए आते हैं, देर कैन बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। हो सकता है एक फर्म का लेवल एक फर्म का लेवल बहुत बड़ा है, बहुत ही हाई फाई है, एकदम सूट बूट में आते हैं, सूट बूट में आते हैं और पूरे काम, ठीक है, टैबलेट्स पे होते हैं उनके, आईपैड टैबलेट्स, ठीक है, एप्पल पेंसिल के थ्रू ऑडिट करते हैं। एक बंदा बेचारा आता है, जेब में उसके पास में एक A4 साइज पेपर फोल्ड किया होता है क्वेरी लिखने के लिए। हो सकता है दो ऐसी फर्म्स है जिनकी स्टैंडिंग ही अलग है, जिनका स्टैंडिंग ही अलग है, बिल्कुल तौर तरीका ही बिल्कुल अलग है, ऐसे दो लोग, तो इसमें ठीक है, आपस में काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, आईपैड वाला सोचता है इसको क्या आता है, ये क्या ऑडिट करेगा, ठीक है, जो वो पेज वाला है वो सोचता है हाँ इसको क्या आता है, वीडियो गेम खेलता होगा आईपैड के ऊपर, दिमाग तो नहीं है, भूसा भरा हुआ भूसा। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक साथ काम करने में दिक्कत जाती है, ठीक है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है। इनिशियली दोनों जब साथ में है, जब काम करना शुरू हुआ, हो सकता है काम को अच्छे से बांटा नहीं गया हो, लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अनडिफाइंड थी, तो किसको समझ में नहीं आ रहा है भाई ये मुझे काम करना है नहीं करना है, मुझे चेकिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। मतलब एक ब्रांच है जिसमें दो बिजनेस होते हैं, बिजनेस वाइज चीजों काम को बांट लिया था, अब एक ब्रांच में दो बिजनेस होते हैं, किसी को नहीं पता कि उसको उस ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा। ऐसी कुछ ब्रांचेस है जिसमें दोनों बिजनेस होते हैं, लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। फिर उसके बाद में लैक ऑफ, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, आपस में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। एक बंदा 10 दिन पहले ऑडिट खत्म करके बैठा हुआ है, दूसरा बंदा खत्म ही नहीं कर रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, रिपोर्ट लेट हो गई, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, आगे पीछे चल रहे हैं, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। कॉमन एरियाज जो है, कॉमन एरिया साथ में मिलकर ऑडिट करने वाले थे, तू कर तू कर तू कर तू कर, उसमें निग्लेक्शन हो सकता है। आखिरी में फीस कैसे शेयर करना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सीनियर हूं मेरे को ज्यादा पैसे दो, कुछ बोलते हैं मैंने ज्यादा टाइम दिया मुझे ज्यादा पैसे दो, कुछ बोलते हैं मेरे ज्यादा टीम मेंबर्स हैं मुझे ज्यादा पैसे दो, देयर इज अ प्रॉब्लम। और आखिरी में लाइबिलिटी ऑफ वर्क डन, कल जाके फ्रॉड निकला जिम्मेदारी किसकी रहेगी, इसको लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी। ऐसे तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है जिसका एरिया था ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो डिसएडवांटेज, ठीक है, सिंपल से डिसएडवांटेज मैंने सीक्वेंस भी दी, इनिशियली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के प्रॉब्लम्स है, काम बराबर बांटा नहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, इनिशियल प्रॉब्लम्स, काम बांटा नहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे बराबर, दैट इज द प्रॉब्लम। कॉमन एरियाज निग्लेक्ट हो रहे हैं काम करते वक्त, कॉमन एरियाज निग्लेक्ट हो रहे हैं। आखिरी में फीस, किसको कितनी फीस मिलेगी उसमें झगड़ रहे हैं लोग, और अनसर्टेनिटी फ्यूचर में लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी। देखिए सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना तो मेरे, कभी भी आप मेरे सीक्वेंस में देखोगे, इनिशियल चीजें होती है, फिर बाद में काम होते हैं, फिर कंक्लूडिंग होती है, रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल, अभी हम लोगों ने जॉइंट ऑडिट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। नाउ ये अब आपका मास्टर आंसर है एक प्रकार से, ठीक है, ये आपका मास्टर आंसर है, इसमें अलग अलग चीजें कवर हो रही है, इसमें अलग अलग चीजें कवर हो रही है, इट्स अ मास्टर आंसर। और हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्ट चार चार मार्क के लिए आए, इंडिविजुअल पार्ट मे कम फॉर फोर फोर मार्क्स, चार चार मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, वहां पे लिखा है रेफर चार्ट, आसान, जो डिवाइडेड एरियाज है, जो काम डिवाइड हो चुका है, ठीक है, जो काम डिवाइड हो गया है वो खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जो काम, जो एरिया इज डिवाइड, सपोज काम बिजनेस वाइज डिवाइड हुआ है या ज्योग्राफिकल एरिया वाइज डिवाइड हुआ, एसेट्स और लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंस वाइज डिवाइड हुआ, जो काम डिवाइड हो गया वो स्पेसिफिक जिम्मेदारी खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उस एरिया का रिस्क असेसमेंट करना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क असेसमेंट के बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसकी सब्सटेंटिव नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तय करके उसको परफॉर्म करना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो जो काम डिवाइड हो चुका है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मेरे वर्डिंग, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उस एरिया का रिस्क असेसमेंट करना
स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क असेसमेंट करने के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कल जाके उस अगर एरिया में फ्रॉड मिलता है, फ्रॉड अगर मिलता है वो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। अगर गलती से फ्रॉड मिला, अगर फ्रॉड मिला तो वो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आएगा। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? व्हाट कम्स इन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ, जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है, वो आपका कॉमन। जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ, जो काम डिवाइड नहीं हुआ, एक, जो काम पहली वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ, जिसको कॉमन एरिया रखा गया था, वो दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, उस एरिया से रिलेटेड, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं कि उस एरिया में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, उस एरिया में एक्सपर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए भी ज्वाइंट जिम्मेदारी होगी। फिर ऑडिट के दौरान एक ज्वाइंट ऑडिटर दौड़ते दौड़ते आता है, अरे भाई साहब, अरे वो मुझे पता चला कि मेरे बिजनेस में 5 फॉरेन ब्रांचेस आती है, ये फॉरेन ब्रांचेस मुझसे चेक करना नहीं होगा, मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास में इतना नॉलेज नहीं है, मेरे अकेले से नहीं होगा, प्लीज मुझे हेल्प करो। बाकी ज्वाइंट ऑडिटर्स अग्री करते हैं, चलो ठीक है, हम सब लोग मिलकर, तो ये एरिया, ये चीजें भी आपकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी। पहले से जो चीजें अनडिवाइडेड है, कॉमन एरियाज, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डिसीजन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट के दौरान एक ज्वाइंट ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है कि कुछ चीजें मेरे बस की बात नहीं है, साथ में मिलकर करते हैं, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर रिलेवेंट लॉ, लॉ कंप्लायंस? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिलेवेंट लॉ है? जैसे आपका कंपनीज में कंपनीज एक्ट फॉलो किया, शेड्यूल 3 किया है, लॉ का कंप्लायंस चेक करना ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले लॉ कंप्लायंस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। लॉ कंप्लायंस चेक करना, लॉ की चेकलिस्ट दोनों लेके बैठेंगे, दोनों चेक करेंगे, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर है ना, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से बराबर है ना, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ कंप्लायंस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट बराबर बनी है ना, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। तो पहले दो चीजें कनेक्टेड है, अनडिवाइडेड वर्क के लिए बोल रहे हैं, फिर नए एरिया के लिए बात कर रहे हैं, फिर ये तीन चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लॉ का कंप्लायंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पॉइंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा लॉ का कंप्लायंस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पूरा सही है ना, एज पर स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें और ऑडिट रिपोर्ट की चीजें ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगी। तो अभी हम लोगों ने ये देखा। अब कोऑर्डिनेशन, साहब ज्वाइंट ऑडिट मतलब क्या है? ज्वाइंट ऑडिट मतलब है एक बंदा क्लच पे बैठा है, एक बंदा ब्रेक पे बैठा है, एक बंदा स्टेयरिंग पे बैठा है, एक बंदा गियर पे बैठा है, और हम बोल रहे हैं गाड़ी सब बराबर चलानी है, सबको एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आपस में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर एक ही बंदा पूरा ऑडिट करता तो पूरे कंपनी पे उसकी नजर होती, उसको पता होता पूरे कंपनी में कहां पर क्या चल रहा है, उसको अच्छे से पता होता, उसको अच्छे से पता होता, उसको अच्छे से पता होता पूरे पूरे कंपनी में कहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बट दिस इज नॉट द केस। अब अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए, ठीक है, क्या लिखा है स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड में लिखा है किसी भी ज्वाइंट ऑडिटर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी मैटर मिलता है विच इज रेलेवेंट फॉर अनादर ज्वाइंट ऑडिटर, जो रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो अनादर ज्वाइंट ऑडिटर के ऊपर, तो ऑडिट खत्म होने से पहले राइटिंग में यह बात कम्युनिकेट कर देना चाहिए अदर ज्वाइंट ऑडिटर को। अगर नहीं किया, ठीक है, तो वो ज्वाइंट ऑडिटर जिसके पास में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उसका नॉन कंप्लायंस ऑफ SA-299 है ऐसा माना जाएगा, ठीक है, और उसको पनिश किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दूसरे के एरिया की कोई भी, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पता चले, उसको
तो वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में बिफोर द एंड ऑफ द ऑडिट। एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट बात है राइटिंग में। अब ये बातें कैसे हो सकती है, मतलब मैटर्स विच आर रिलेवेंट टू अदर जॉइंट ऑडिटर एंड, ठीक है, जो डिजर्व कर, कौन सी बातें जो उसके एरिया से रिलेवेंट हो और डिजर्व करता है, डिजर्व अटेंशन ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, या फिर रिक्वायर डिस्क्लोजर, या फिर रिक्वायर डिस्कशन, या फिर रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट। सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल लिख कर दिए, ठीक है। जैसे रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो एक ऑडिटर है, और रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, ठीक है, ये दो अलग अलग जॉइंट ऑडिटर्स, अलग अलग जॉइंट ऑडिटर्स उसका ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब जियो वाले को पता चला, जियो वाले को पता चला कि रिलायंस, रिलायंस एक ईआरपी पे चलता है, आरएमएस, रिलायंस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको पता चला कि इस सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स है, कुछ लूप होल्स है, ठीक है, वो लूप होल्स के जरिए लोग फ्रॉड कर सकते हैं, पता चलता है। अब उसको पता है कि इस लूप होल के थ्रू जियो में भी फ्रॉड हो सकता है और रिटेल में भी हो सकता है, पता है। तो ऐसी चीज है जो हमारे दूसरे जॉइंट ऑडिटर को पता होनी चाहिए, उसके ऊपर इसका असर पड़ सकता है, डिजर्व करता है अटेंशन, तो हमने जाके उसको बताना चाहिए, जो उससे एरिया से रिलेवेंट हो, डिजर्व करता, डिजर्व करता है उसका अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजर्व करता है अटेंशन, उसको पता चलनी चाहिए। आईटी सिस्टम की मैंने बात बोली, बता दो। या फिर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, मुझे पता है जियो वाले को रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चला, अरे अगर वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी है तो जियो के बिजनेस के लिए भी रिलेटेड पार्टी है और रिटेल के लिए भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उसके भी डिस्क्लोजर पे असर पड़ने वाला है, बता दो उसको कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड डिस्कशन, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन है, अरे हमको मिल बांट के इसको चेक करना पड़ेगा, डिस्कशन, ठीक है। फिर रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, हमको पता चला है, ठीक है, हमको पता चला है कि एक पार्टी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, एक पार्टी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, हमको ऐसा पता चला है कि एक पार्टी के साथ में रिटेल वालों का डिस्प्यूट चल रहा है, करेक्ट, और वो डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ जानकारी, वो पार्टी हमारे जियो से भी कुछ डील कर रही है, तो हमने इमीडिएटली उसको बता देना चाहिए, ठीक है। अटेंशन, डिस्क्लोजर, डिस्कशन, एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट, अड्डा, क्या थोड़ा सा अड्डा शॉर्टकट है, करेक्ट। अगर एक जॉइंट ऑडिटर को अड्डा पता चला, क्लाइंट का अड्डा पता चला, तो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताना चाहिए, ठीक है। ए फॉर अटेंशन ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, अटेंशन ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, अरे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सिस्टम की बात बता दो बेटा। डी स्टैंड फॉर, ठीक है, कि भैया डिस्क्लोजर, उसके एरिया के डिस्क्लोजर पे इंपैक्ट पड़ता है, बता दो बेटा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बता दो बेटा। एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट को इंपैक्ट करता है, डिस्प्यूट के बारे में कुछ पता चला है, बता दो बेटा। तो पहले हम लोगों ने कहां पे सेपरेट जिम्मेदारी है, कहां पे सेपरेट जिम्मेदारी है और कहां पे जॉइंट जिम्मेदारी है, वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कैसे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन जरूरी है राइटिंग में बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे एरियाज जो उनके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है, और अड्डा वाली चीजें हो, वो रिपोर्टिंग सब इसमें मैंने चार्ट बना के दिए, सब इसमें चार्ट बना के दिए ताकि समझने में बहुत ज्यादा आसानी जाए, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले, इन लोगों ने आपस में, जॉइंट ऑडिटर्स ने आपस में मिलना चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए, आपस में डिस्कशंस, कम्युनिकेशन करना चाहिए और कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि अग्रीमेंट, ये सब आपस में मान जाते हैं, अगर ऐसा है कि ये सारे लोग आपस में मान जाते हैं, सबके हिसाब से क्लीन रिपोर्ट, सबके हिसाब से क्वालिफाइड, सबके हिसाब से एडवाइस, अगर अग्रीमेंट में है, ठीक है, तो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे। लेकिन डिसअग्रीमेंट है, आपस में मान नहीं रहे, तीन लोग बोल रहे क्लीन रिपोर्ट, एक बोल रहा है क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो आपको बता दे जॉइंट ऑडिट में वी आर नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल को लगाने की जरूरत नहीं है,
नो नीड टू अप्लाई फॉर मेजोरिटी रूल, सेपरेट रिपोर्ट दी जाएगी। जो तीन लोग क्लीन सोच रहे हैं उनकी सेपरेट रिपोर्ट बनेगी, जो एक बंदा क्वालिफाइड सोच रहा है उसकी सेपरेट रिपोर्ट बनेगी, दोनों की सेपरेट रिपोर्ट बनेगी। और खास बात, जो कंबाइंड रिपोर्ट है तीन लोगों की, वो बोलेंगे क्लीन रिपोर्ट, साथ में ओ एम पी डालेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ डालेंगे, ओ एम पी डालेंगे, और ओ एम पी में बताएंगे, बेटा ओ एम पी में बताएंगे, ठीक है, कि और एक रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट है, एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है बाय सिंगल ऑडिटर, वो भी पढ़िएगा। और जो एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, सिंगल सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, वहां पर लिखा रहेगा और एक रिपोर्ट है कंबाइंड ऑडिट रिपोर्ट, वो भी पढ़िएगा। नॉट बाइंड बाय मेजोरिटी रूल, डिसअग्रीमेंट है तो सेपरेट रिपोर्ट बनाएंगे, दोनों उसमें ओ एम पी डालेंगे एज पर 706, दोनों एक में को रेफर करेंगे, और रेफर करेंगे ओ एम पी के थ्रू, ठीक है, इट इज पॉइंट क्लियर। चलिए गाइस, वी आर थ्रू विथ 200 सीरीज, 200 सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी अभी तक के ऑडिट की तैयारी जैसे भी हुई होगी, आपकी ऑडिट की तैयारी जैसे भी हुई होगी, जो भी हुई होगी, उसको पकड़ के रखिए और ये क्वेश्चंस को ऐड कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक है, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस हम मैं करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लीजिए, उसी को ऐड कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। पूरी क्वेश्चन बैंक करने को मत जाइए, ये क्वेश्चन बैंक बहुत हेवी है, बहुत सारी बातें इसके अंदर। पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल, अभी हम लोगों ने ऐसे 299 खत्म किया, उसके अंदर हम लोगों ने देखा एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, फिर हम लोगों ने देखा, ठीक है, हम लोगों ने देखा जिम्मेदारी, कहाँ पे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन की बात है, रिपोर्टिंग की बात है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल भी हम लोग, ठीक है, थोड़ा भी आपको कुछ बोलना होगा तो आप, मैंने आपको पहले से बोल के रखा है कहाँ पे आप बात कर सकते हैं, कन्फेशन पॉइंट जो है वहां पे आप बात कर सकते हैं। ओके, कोई वीडियो टेक ओवर का पॉइंट, टेक ओवर का पॉइंट नहीं समझा, जब, ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया, अब बी लिमिटेड का ऑलरेडी एक ऑडिटर होगा, लेकिन ए लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तो एक काम करे, जिस ऑडिटर के साथ में वो कंफर्टेबल होता है, जिसका वो काम करता है, उसी को एज अ ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट कर दो। ज्वाइंट ऑडिट के कॉन्सेप्ट से किसी को निकालने की जरूरत नहीं होती, किसी को निकालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कोई वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है, इज देर एनी वीडियो प्रॉब्लम, आप मुझे बताएंगे क्या कोई वीडियो प्रॉब्लम है कि सब कुछ बराबर चल रहा है, फटाफट बता दीजिए। ओके, जिसने पहला सेशन नहीं देखा है, बस मैं इतना ही बोलूंगा उनके लिए, ठीक है, पहले सेशन में इनिशियली कोर ऑडिट प्रोसेस है, कोर ऑडिट प्रोसेस अगर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कोर ऑडिट प्रोसेस अगर आप लोगों ने देख लिया, करेक्ट, तो उतना देखने के बाद में आप कहीं से भी शुरू हो सकते, कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उतना देख लेना चाहिए। नाउ लेट्स सी, 300 सीरीज को शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विथ 300 सीरीज। पहले ओवरऑल ऑडिट प्लान, करेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे 300 में दो वर्ड यूज किए गए हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ब्रॉड गाइडलाइंस, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। एरिया वाइज डिटेल इंस्ट्रक्शन की, हर एरिया में जाके एक 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 क्या क्या चेकिंग करनी है, दैट इज ऑडिट प्लान। तो ऐसे के अंदर तो यही वर्ड है, लेकिन इसका एक चैप्टर भी हमारा एएसपीपी, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये ऐसे में होता है वर्ड यूज, इट इज सेम एज ओवरऑल ऑडिट प्लान, सेम एज ओवरऑल ऑडिट प्लान, ठीक है, ऐसे में वर्ड यूज होता है ऑडिट प्लान, एरिया वाइज स्पेसिफिक,
उसी को हम ऑडिट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग ऑडिट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। इट इज वन एट द सेम, वन एट द सेम है, एक ही चीज है। तो ओवरऑल ऑडिट प्लान है 300.01, उसमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। मैं वहां पे लिख रहा हूं कि अगर एग्जाम में कैन यूज आंसर ऑफ 300.03, ठीक है, अगर एग्जाम में भूल जाते हैं। देखो अब दोनों के लिए आंसर सेम होना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, हमारे ऐसे की थ्योरी थोड़ी सी अलग है और चैप्टर के अंदर जो थोड़ी सी बात दी है, कुछ बातें दी है, वो थोड़ी अलग है। इंस्टीट्यूट ने इसको एक कर लेना चाहिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाने के फैक्टर्स भूल जाओ तो चिंता मत करिए, आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए जा सकते हो। ओवरऑल ऑडिट प्लान या स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, ब्रॉड ब्रॉड 2-3 पेज के गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। ब्रॉड 2-3 पेज के गाइड 2-3 पेज के गाइडलाइंस की पूरे ऑडिट में हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, या फिर उसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान। अब देसी थ्योरी के हिसाब से, देसी थ्योरी के हिसाब से कौन सी बातें हम लोगों ने ख्याल रखनी चाहिए, तो मैंने उसको 4 पार्ट में बांटा है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ रूल्स रेगुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। लॉ रूल्स रेगुलेशन तो पढ़ लेने चाहिए, उसका कंप्लायंस स्ट्रेटेजी में होना ही चाहिए। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, उसका कंप्लायंस तो होना ही चाहिए। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसका कंप्लायंस होना चाहिए। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखिए एकदम एकदम सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ की इंपॉर्टेंट बातों का कंप्लायंस स्ट्रेटेजी में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग उससे छोटे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस लिखना चाहिए, उससे छोटे, ठीक है। उसके बाद में हमारे एंगेजमेंट जो है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है, उसका कंप्लायंस देखना ही चाहिए। और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट की, वो बराबर फॉलो हो रही है ना, वो देखना है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देखना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देखना चाहिए स्ट्रैटेजी को बनाते वक्त, गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स। फिर ऑडिट प्रोसेस में जो चीजें लगने वाली है उसके बारे में लिखना चाहिए। सबसे पहले मटेरिटी तय कर लो, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आप मटेरिटी तय कर लो, मटेरिटी आपको हर जगह लगेगी। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और अकाउंटिंग सिस्टम पे कितना भरोसा करना, सबसे पहले मटेरिटी तय कर ली, डन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पे कितना भरोसा करना वो आप देख लो, ठीक है, डन। कौन से एरियाज में स्पेशल ऑडिट अटेंशन, पिछले साल जहां पे फ्रॉड्स था, गड़बड़ थी इंडस्ट्री में, जहां पे गड़बड़ चलती है वो स्पेशल, जहां पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा उसकी लिस्ट बना लो। कौन से ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस, कौन से बैलेंसेस, कौन सी पार्टीज, कौन से लोकेशंस, वो देख लीजिए। फिर रोटेशन ऑफ एम्फोसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, रोटेशन ऑफ एम्फोसिस मतलब क्या, क्या हम लोगों ने एक नया एक कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि भाई इन टोटैलिटी इनके 50 ब्रांचेस है, सारे के सारे चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, क्या ऐसा करें, ठीक है। एक ऐसा एक काम करते हैं हम लोग, 3 साल इनके 30 ब्रांचेस, सपोज 30 ब्रांचेस, एक काम करते 3 साल में, ठीक है। ओवरऑल चेकिंग तो करेंगे हम लोग, लेकिन इनडेप्थ चेकिंग पहले साल में 10 ब्रांच की, अगले साल में 10 ब्रांच की, अगले साल में 10 ब्रांच की, क्या ऐसा करें, मतलब एम्फसिस चेंज होता जाएगा, ऐसी स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते हैं। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन से हैं, बड़ी रिस्क कौन सी है, बड़े एरियाज कौन से, वो तय कर लो। और आखिरी में कितना एविडेंस हमको लगेगा, तो ऑडिट प्रोसेस से रेट पॉइंट है। मटेरिटी कितनी लगेगी वो देख लो इनिशियली, सिस्टम, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स पे, इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा करना कि नहीं करना, इंटरनल कंट्रोल से भरोसा करना कि नहीं करना वो आप तय कर लो। कौन से रिस्की एरियाज है वो पता लगा लो, कौन से रिस्की एरियाज है वो पता लगा लो, कौन से आपके बड़े एरियाज है वो पता लगा लो, करेक्ट। देन रोटेशन ऑफ एम्फोसिस करना है क्या, और कितना सबूत हमको लगेगा, मतलब ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। इसमें भी मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं चीजों को, थोड़ा सा चेंज करें। देखो मन नहीं मानता कि बेहतर, अगर मैं लगता है कि सीक्वेंस बना सकता हूं पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं और भी बेहतर, पहले मटेरिटी तय कर लीजिए। मटेरिटी तय करने के बाद में स्पेशल ऑडिट अटेंशन, कहां पे गलती हो सकती है, रिस्क असेसमेंट के बारे में सोच लीजिए, उसी पे उसकी कौन से बड़े बड़े एरियाज है उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, पहले आप मटेरिटी तय कर लीजिए।
पहले आप मर्टेलिटी मर्टेलिटी तय कर लीजिए, मर्टेलिटी लेवल क्या रहेगा, कौन से बड़े बड़े एरियाज है उसकी अंडरस्टैंडिंग, पहले अंडरस्टैंडिंग, पहले मर्टेलिटी तय कर लो, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर लो कौन से बड़े एरिया है, रिस्क असेसमेंट करते, रिस्क असेसमेंट आप कर लीजिए, फिर ठीक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते, उसके बारे में कंट्रोल्स के बारे में सोच लीजिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ये करना है क्या, रोटेशन ऑफ एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट लाना है क्या वो सोच लीजिए, और आखिरी में एविडेंस कितना लगेगा, हाउ मच एविडेंस वील नीड। वंस अगेन पहले मटेरियल कर लीजिए, फिर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लीजिए बड़े बड़े, फिर अंडरस्टैंडिंग लीजिए बड़े बड़े एरियाज की, फिर रिस्क असेसमेंट कर लीजिए, कंट्रोल्स कैसे रहेंगे वो सोच लीजिए, करेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एम्फोसिस वाला फंडा लगाना है वो सोच लीजिए, और कितना एविडेंस लगेगा, कहीं ना कहीं याद रखने में आसानी आएगी, पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज, फिर ऑडिट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, अब ठीक है सबसे बड़ा जॉइंट ऑडिटर के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, अदर ब्रांच ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर सबसे बड़ा आदमी, उससे छोटा ब्रांच ऑडिटर के साथ में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे, उससे छोटा इंटरनल ऑडिटर के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, उससे छोटा एक्सपर्ट के साथ में कैसे रहेंगे, हमारे स्टाफ, हमारा कितना स्टाफ रहेगा, आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, सबसे बड़ा जॉइंट ऑडिटर, उससे छोटा ब्रांच ऑडिटर, उससे छोटा इंटरनल ऑडिटर, उससे छोटा एक्सपर्ट, उसके बाद में स्टाफिंग और रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो इन बातों का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्टिंग का ध्यान रखना चाहिए, ये चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे के हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, राजस्थान सीआरपीएफ, आर सीआरपीएफ, राजस्थान, राजस्थान जो सीआरपीएफ है, ठीक है पेज नंबर 208 पे हम लोग, राजस्थान जो सीआरपीएफ है ठीक है, वो सीआरपीएफ की स्ट्रेटेजी एकदम बेस्ट है, आर सीआरपीएफ, आर में कौन आता है सब, करेक्ट आर में, आर के सबसे रिसोर्सेस, पहले रिसोर्सेस की स्ट्रेटेजी बना लो, कितने लोग लेंगे, कितने लोग लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, 15 लगेंगे, कितने सीनियर्स लेंगे, कितने जूनियर्स लेंगे, रिसोर्सेस की स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए, करेक्ट। फिर उसके बाद में सी स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असाइनमेंट, इस असाइनमेंट में स्पेशल क्या है, इस असाइनमेंट कोई स्पेशल लॉ लगता है क्या, कोई स्पेशल फॉर्मेट लगता है क्या, कोई स्पेशल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट लगती है क्या, ठीक है इनके इंटरनल ऑडिट में कुछ स्पेशल है क्या, ब्रांच ऑडिट में कुछ स्पेशल है क्या, इसमें स्पेशल क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इस इंडस्ट्री में क्या स्पेशल, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या स्पेशल है, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में क्या स्पेशल है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लीजिए। आर सी आर, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, कितनी रिपोर्ट्स बनानी है साल में, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनानी है, सेमी एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है, एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है, कम्युनिकेशन बाकी लोगों से कैसा करना है। पी फॉर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, सुबह हम लोगों ने कोर ऑडिट प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हमने बोला था पहले ये सोच लो असाइनमेंट एक्सेप्ट करना कि नहीं, असाइनमेंट एक्सेप्ट करना कि नहीं, कंटिन्यू करना कि नहीं, सोच लो हम एथिकल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और फिर साइन करो, ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हम बहुत सारी छानबीन करते, सोच समझते, तब हमको बहुत सारी बातें पता चलती क्लाइंट की, उसको भी यूज में लो, वहां पे हमको पता चला था कि लीगल हेड चोर आदमी एकदम झूठ बोलता है, एकदम बहुत ही हलकट आदमी है, पूरे और पूरे मार्केट में कोई विश्वास नहीं करता, तो स्ट्रेटेजी में लिख दिया इससे आने वाली कोई भी जानकारी पे विश्वास नहीं करना जब तक इसको कंफर्म नहीं कर लेते दूसरे लोगों से और एक्सटर्नल एविडेंस से। एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स तय कर लो, सीआरएम, इंपॉर्टेंट चेंजेस, लॉ में चेंजेस है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस है, हिस्टोरिकल डेटा देखकर रिस्क कहां कहां पे रिस्क लगती है देख लो, सिस्टम कैसे लगते हैं, ये सब इनिशियल है, आगे जाके हमारे असेसमेंट बदलते हैं इनिशियल, लेकिन एम स्टैंड फॉर मटेरिटी। तो दोनों आंसर्स जो है, दोनों आंसर्स एक ओवरऑल ऑडिट प्लान के बारे में बात करता है, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये मुझे नीचे वाला जो आंसर है मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, ये क्योंकि ये एकदम ऐसे के हिसाब से, ऐसे के हिसाब से प्रेफर्ड, ये पूरी तरीके से प्रेफर्ड है साहब, ठीक है। रिसोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, सीआरएम, इन सबको ध्यान में रख के चार पांच पेज की स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कैसे ऑडिट करना चाहिए, वो हमारी स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको पहले बताया हम स्लो नहीं हो सकते साहब, बहुत सारा कोर्स हम लोग को खत्म करना है, आपको लगेगा तो आप ठीक है ये वीडियो को वापस देखिए, आपके पास वापस देखिए वीडियो। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की स्ट्रेटेजी, ठीक है
देखिए ऊपर क्वेश्चन में मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेस ये वर्ड आया। क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अगर पहला क्वेश्चन पढ़ोगे जहां पे मैंने 3 स्टार ला के रखे है, वहां पे बोल रहा है डिस्कस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो आपको लगेगा पहले का आंसर लिखो, लेकिन की रिसोर्सेस के बारे में बोला है ना। की रिसोर्सेस के बारे में अगर बोला है, की रिसोर्सेस के बारे में अगर हमको बोला है, तो फिर हमको इसका मतलब रिसोर्सेस के स्ट्रेटेजी के बारे में, रिसोर्सेस के स्ट्रेटेजी के बारे में, रिसोर्सेस के स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी, उसके उसके बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा साहब। नाउ अब रिसोर्सेस की स्ट्रेटेजी में क्या तय करेंगे हम लोग? सबसे पहले तय करेंगे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस हमको तय करना है कि हम लोग जब ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट करने के लिए हमको कितने लोग लगेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग लगेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए कितने लगेंगे, स्टैंड अलोन के लिए कितने लगेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कितने लगेंगे, ग्रुप ऑडिट मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितने लोग लगेंगे। पहले अमाउंट की स्ट्रेटेजी बनाइए, अमाउंट की स्टडी कितने लोग लगेंगे। ठीक है, फिर अलोकेशन की स्ट्रेटेजी बताइए, कौन कौन सा चेकिंग करेगा। सीनियर लोग जो होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड रिस्की एरियाज, कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की एरियाज करेंगे, वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो गलतियों को पकड़ पाएंगे, बेवकूफ नहीं बनेंगे। जो जूनियर्स है वो आसान एरियाज करेंगे। पहले अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजी, फिर उसका अलोकेशन कैसे होगा, असाइनमेंट कैसे होगा, डिप्लॉय कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर व्हेन कब डिप्लॉय करना, व्हेन कब डिप्लॉय करना, इंटरिम स्टेज में कितने करना, फाइनल स्टेज में कितने करना। सर मतलब इंटरिम स्टेज मतलब बड़े बड़े असाइनमेंट्स में क्या होता है, साल के बीच में जाके पूरा काम खत्म कर देते हैं, फिर सिर्फ बचा हुआ दिसंबर एंड में जाके 9 महीने का काम खत्म कर देंगे अप्रैल से दिसंबर का, फिर जाके सिर्फ 3 महीने का काम करेंगे। तो दिसंबर एंडिंग में कितने लोग जाएंगे, कितने घंटे स्पेंड करेंगे, फाइनल इसमें कितने लोग जाएंगे, कितने घंटे स्पेंड करेंगे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और इन सबको डायरेक्शन कौन देगा, इनको डायरेक्ट कौन करेगा, इनिशियली काम समझाएगा कौन, ठीक है, इनको सुपरवाइज कौन करेगा, इनको डायरेक्शन कौन देगा, सुपरवाइज कौन करेगा, प्रॉब्लम्स आते तो इनको मैनेज कौन करेगा, उसकी भी रिसोर्सेस को मैनेजमेंट। ठीक है, किसके अंदर कितने लोग आएंगे, पार्टनर के नीचे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर्स, मैनेजर के नीचे कितने लोग रहेंगे, एक पूरा वो स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल रिसोर्सेस की स्ट्रेटेजी, कितने लोग लगेंगे, लोगों को कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, कब डिप्लॉय करना पड़ेगा, इनको डायरेक्शन कौन देगा, इनको सुपरवाइज कौन करेगा, इनको ओवरऑल मैनेज कौन करेगा। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी हम लोगों को बनानी पड़ेगी। नाउ ऑडिट 300, 300.11, 300.11 पे आइए आप, कम टू 300.11। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चिंता मत करिए, 9 बजे हम लोग एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, और यू शुड एंजॉय दिस सेशन, आप पढ़ना चाहते थे, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप दिन रात पढ़ना चाहते थे, हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप दिन रात पढ़ना चाहते थे, दिन रात पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, आप चाह रहे थे फटाफट कोई आपको कुछ चीजें करवा दे, मैं फटाफट वो चीजें आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग लाइव एक मेक से बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं चिंता मत, चिंता नहीं करेंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ ऑडिट प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज। डिस्क्रीट मतलब बस एक बार किया, प्लान एक बार बनाया, स्ट्रेटेजी एक बार बनाई, प्लान एक बार बनाया और खत्म, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब एक सेपरेट फेज है, बस एक बार हो गया, खत्म हो गया, फिर से इसको करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। इट इज नॉट डिस्क्रीट फेज, इनफैक्ट इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे जैसे हम लोग ऑडिट करते हैं हमको समझ में आता है कंडीशन बदल गई है, कंडीशन हैव चेंज्ड, कंडीशन बदल गई है। पहले मार्केट में बूम हुआ करता, अब मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, फॉरेन करेंसी में प्रॉब्लम, कंडीशंस बदल जाती है, कंडीशंस चेंज हो जाती है। ठीक है, कंपनी के अंदर कंपनी के बाहर बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, फ्रॉड हमको पता चलते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बड़े इवेंट्स हो गए हैं, ओनरशिप चेंज हो गई है, बड़े 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 इवेंट्स हो गए हैं। ऑडिट करते हमको पता चलता है जिसको हम कंट्रोल्स को स्ट्रांग समझते वो वीक निकले रिजल्ट्स,
ऐसा है, ऑडिट के दौरान हमको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बहुत सारे बाहर के लोग, बाहर की न्यू इन्फॉर्मेशन, कंपनी के अंदर की न्यू इन्फॉर्मेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करती रहती है, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी और प्लान को रिवाइज करते रहते हैं। सो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट सेपरेट स्टैंड अलोन फेज, इट इज अ कंटिन्यूअस फेज, ये एक कंटिन्यूअस फेज है, करेक्ट। फिर प्लानिंग करते वक्त, ठीक है, प्लानिंग करते वक्त, अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी अलग सी है। कौन सी बातें लेके हम लोगों ने बैठनी चाहिए? तो अमोल को लेके बैठना चाहिए। जब हम लोग प्लानिंग करें, ठीक है, प्लानिंग करें, और ये डिस्क्रीट फेज नहीं है, अमोल को लेके बैठिए। ए स्टैंड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन रिस्क असेसमेंट। मैंने बताया था आपको, रिस्क असेसमेंट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब, ठीक है, अमाउंट्स को, रेशियोस को, ग्राफ को कंपेयर करना पिछले साल से दूसरे लोगों से, उसको एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत काम की चीज है। तो ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, प्लानिंग करते हम लोगों ने सोचना चाहिए कितनी एनालिटिकल प्रोसीजर हमने लगाए रिस्क असेसमेंट के लिए। इस साल को पिछले साल से कंपेयर करोगे ना तो जबरदस्त जानकारी मिलेगी। क्या एक्सपांश फिक्स एसेट बढ़ता हुआ दिखा, तो आपको समझेगा एक्सपांशन हो रहा है। अच्छा, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ रहे हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा कर रहा है, इसके फिर खर्चे भी बढ़ने चाहिए, हो सकता है इसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी ज्यादा हो, करेक्ट। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से आपको जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बिजनेस की, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा कहाँ पे एक्सपांशन है, कहाँ पे डेवलपमेंट है, कहाँ पे चेंजेस है, क्या चीजें कम हो रही है, क्या चीजें ज्यादा हो रही है, कहाँ पे फ्लक्चुएशन है, कहाँ पे रिस्क है। तो प्लानिंग करते वक्त सोच लीजिए एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे लगाना है। अमोल, एम स्टैंड फॉर मटेरिटी, मटेरिटी निकालने के बारे में भी सोच लीजिए। ओ स्टैंड फॉर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा मैदान में उतरिए, प्लांट विजिट करके आइए, लोगों से बातें करिए, रिस्क असेसमेंट करने के ये भी तरीके होते हैं। एल स्टैंड फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग लॉ रूल्स रेगुलेशन की ले लीजिए प्लानिंग करने से पहले, और ई स्टैंड फॉर एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम जो भी बातें पढ़ के आए ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसी में से कुछ बातें इसके अंदर, ठीक है, उसी में से कुछ बातें जानबूझ के मैंने उसका शॉर्टकट बना दिया कि भाई, क्योंकि ये बातें कुछ जो बातें हम पढ़ के उससे मिलती जुलती है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में सोच लो, मटेरिटी के बारे में सोच लो, अदर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में सोच लो, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में सोच लो, और आखिरी में एक्सपर्ट के बारे में सोच लीजिए। दोनों के बीच में फिर 300.15, 300.15 दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में? दोनों के बीच में साहब रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप? देखिए ऐसा है, जनरली पहले स्ट्रेटेजी बनती है, पहले ब्रॉड गाइडलाइन बनते हैं, पांच चार पांच पेज के, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिर एरिया वाइज, एरिया ए बी सी डी, एरिया वाइज, इंडिविजुअल एरिया वाइज डिटेल, स्टेप बाय स्टेप डिटेल, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनता है, डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्लान बनता है, ठीक है, कि ऑडिट कैसे करना चाहिए हर पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। नाउ अब अगर स्ट्रेटेजी बदलेगी, अगर स्ट्रेटेजी बदल गई, हम मैनुअल चेकिंग से ऑटोमेटेड चेकिंग पे चले गए, तो हमारा प्लान डेफिनेटली बदल जाएगा। स्ट्रेटेजी बदलने से प्लान बदल जाएगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे, प्लान एग्जीक्यूट करते करते हमको नई जानकारी मिली और हमको पता चला कि हमको प्लान बदलने की जरूरत है, तो हमने प्लान बदला और फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी को भी अमेंड कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। जनरली पहले स्ट्रैटेजी बनती है, फिर प्लान बनता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी प्लान एग्जीक्यूट करके नई जानकारी मिली, प्लान बदला, प्लान से फिर स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने बदला, तो दोनों एक मेक के ऊपर इंपैक्ट डालते रहते हैं, ठीक है। एक में चेंज हुआ, दूसरे में चेंज, दूसरे में चेंज हुआ, पहले में चेंज, सो दे कीप इंपैक्टिंग ईच अदर, करेक्ट। स्ट्रैटेजी इज ब्रॉड गाइडलाइंस, प्लान इज डिटेल्ड एरिया वाइज, डिटेल स्टेप बाय स्टेप एरिया वाइज क्या काम होगा। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, 300.17, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है, बहुत ही सिंपल आसान है, मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है, सुन लीजिए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान हमको रिवाइज रिवाइज करना पड़ सकता है क्या? यस, करना पड़ सकता है, तीन रीजन दिए हुए हैं, करेक्ट। पहला, कंडीशंस बदल गई साहब, पहला कंडीशंस बदल चुकी है, कंडीशंस बदल गई है साहब,
पहले कंडीशन की बात है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की बात है, रिजल्ट्स की बात है, कंडीशंस चेंज हो गए। जब ऑडिट हम लोगों ने शुरुआत किया था तो इट्स वॉज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, प्रॉफिट्स दिख रहे थे हर जगह पे, लेकिन अब ये स्टैग्नेशन में जा चुकी है, रिसेशन में जा चुकी है, कंडीशंस बदल गए। आजू बाजू के जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इंडस्ट्री कंडीशंस है, इन्फ्लेशन की कंडीशंस है, फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशंस है, वो चीजें बदल गई है। एटमॉस्फियर बहुत ही बुरा हो चुका है, कंडीशंस हैव चेंज, इवेंट हो गई, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ी चीज हुई है कंपनी के बाहर या कंपनी के अंदर, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, कैश का इंपॉर्ट क्या ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, तो कैश की चेंज ज्यादा करनी पड़ेगी। बाहर कंपनी के अंदर ओनरशिप चेंज हो गई है, इवेंट्स हो गए हैं कंपनी के बाहर या कंपनी के अंदर, तो कंडीशंस बदल जाएगी तो स्ट्रेटेजी प्लान बदलना पड़ेगा। पहले ओवरऑल कंडीशंस चेंज होगी, इवेंट्स हो गए बाहर या अंदर, तो आपको प्लान बनाना है। रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर ला के हमको पता चला कि अरे इस एरिया में तो फ्रॉड है, फिर हमारी फ्रॉड है, एंटीना खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस को लगा दो। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, फ्रॉड के बारे में पता चला, फिर उस एरिया की स्ट्रेटेजी हम लोग को पता बदल जाएगी। कंट्रोल्स फेल हो गए, पहले लग रहा था कंट्रोल अच्छे रहे, कंट्रोल्स फेल हो गए ऐसे पता चला, फिर उस एरिया की ऑडिट स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। फ्रॉड की वजह से बदल जाएगी, कंट्रोल फेल होने की वजह से बदल जाएगी। तीन रीजन दिए क्यों चीजें बदल जाएगी। और चौथा, नई व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स, ये सब चीजें कब होती है भाई, कब ये सब चीजें हमको, जब नई ये सारी चीजें न्यू इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे नई जानकारी हमको मिलेगी हम चीजों को बदलते रहेंगे। फिर 300.23 है, 300.23 है, उसके ऊपर आप आएंगे 212 पे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अगर आप पेज पलटेंगे तो आपको नीचे पेज नंबर 213 पे, ठीक है, पेज नंबर 213 पे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग, एडवांटेज और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग आपको, प्लानिंग आपको पता चल जाएंगे। चलिए देखिए, बहुत सिंपल एक सीक्वेंस में हम लोगों ने फिर से इसको रखा है, बहुत आसान। प्लानिंग के एडवांटेज क्या है, अगर कोई आराम से बैठ के सोच समझ के प्लान बनाए ना तो उसको समझ जाता है, ठीक है, ही अंडरस्टैंड नेचर ऑफ टीम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइप ऑफ टीम रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, बहुत ही उमदा, बहुत बहुत बढ़िया सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टीम, टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा कर पाएगा बंदा, टीम को बहुत अच्छे सिलेक्ट कर पाएगा और वर्क अलोकेशन कर पाएगा, असाइनिंग वर्क, कोई अच्छे से बैठ के प्लान कर ले उसको समझ जाता है कौन से, ठीक है, कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के लोग चाहिए, बहुत बढ़िया सिलेक्शन और अलोकेशन ऑफ वर्क कर सकता है। करेक्ट, अच्छे से प्लान, अच्छे से लोगों को अच्छे से प्लान बनाकर दोगे ना, ठीक है, अच्छे से लोगों को बताओगे ना कहाँ पे पूरा प्लान बना के दिया है, ठीक है, अब लोगों को पूरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से बना के दिए है ना, पूरा प्लान प्रिंट करके हाथ में दिया है, तो लोग ज्यादा जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी से काम करेंगे। अब सबको समझ में आ गया क्या काम करना है, कैसे काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल, और सबका नाम लिखा हुआ है प्लान में, सबका नाम लिखा है कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं, पूरे बने बनाए इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, जूनियर को काम करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, नंबर वन, बहुत बढ़िया बैठ के प्लान बनाएंगे ना आप, तो आपको बराबर सिलेक्शन, किस तरह के लोग लेंगे, किसने क्या काम करना चाहिए, प्लान के अंदर एकदम लिखा होता है कौन कौन सी चीज के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं, जूनियर्स काम कर रहे थे उनको बड़ी आसानी होती है, बने बनाए पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज इग्नोर नहीं होते, काम करने जब जाओ, जब आपका काम शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एरियाज इग्नोर नहीं होंगे, ओवरलुकिंग नहीं होगी, कुछ एरिया छूट नहीं जाएंगे, सभी एरियाज के बारे में, इंपॉर्टेंट एरियाज में कम समय गया वो इग्नोर नहीं होंगे, ठीक है, उनपे सही टाइम जाएगा, ओवरलुकिंग नहीं होगी। सुपरविजन में काम आता है साहब, सुपरविजन में जैसा हमने सोचा था वैसा काम चल रहा है क्या, कंट्रोलिंग में अगर लग रहा है वैसा काम नहीं चला, कंट्रोल करना मतलब, कंट्रोल करना मतलब हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, वापस काम अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमारे हिसाब से उसको लाना, स्लो चल रहा है और टीम को लगा फास्ट कर, वापस टारगेट में आएंगे, उसको बोलते कंट्रोलिंग, फास्ट जा रहा है चल स्लो कर, क्वालिटी अच्छी नहीं है चल क्वालिटी इंप्रूव कर, कंट्रोलिंग मतलब काम को अपने हिसाब से करवाना, ठीक है, पूरा प्लान अच्छे से बना रहा ना, समझ में आता है कहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ है, किसके ऊपर कम वर्कलोड है, मैनेज कंट्रोल करना आसान होती चीजें। अगले सालों में काम आएगा साहब, अगले साल में प्लान बन में बहुत काम आएगा, और कोई हमको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता, कोई निग्लिजेंट बोल के बताए पूरा प्लान बता देंगे उसको। एडवांटेज, पहले सिलेक्शन असाइनमेंट में बहुत काम आता है, फटाफट सिलेक्ट,
नाम लिखो, लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, जूनियर्स को मजा आता है काम करने के, इंस्ट्रक्शन मिल गए, इंपॉर्टेंट एरिया छूटते नहीं है, ठीक है, ओवरलुकिंग ऑफ एरियाज नहीं होता है, जो बंदा चेक करने वाला है सुपरविजन के काम आता है, सुपरविजन के काम आता है, कंट्रोल करने में काम आता है, अगले साल में काम आता है, कोई निग्लिजेंट भी नहीं बोल सकता। सीक्वेंस में पड़ी है, बता रहा हूं, ऑडिट फटाफट हो जाएगा ऑडिट, अगर आप एक सीक्वेंस में, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे ना चीजों को, तो फटाफट चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, अरे एक प्लान सबके लिए नहीं होता यार, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्लान, एक ही प्लान बना लिया और सभी मेरे 300 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट के लिए एक ही हो गया हर साल एक ही, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड फिक्स पैटर्न नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, एक फिक्स पैटर्न सबको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये बनाते हैं ना रिजिड, कुछ कुछ लोग रिजिड हो जाते एकदम, ऐसा मतलब ऐसा ही लिखा है, ए बी सी तीन प्रोडक्ट चेक करना, तीन प्रोडक्ट ही चेक करेंगे, रिजिड। अरे लेकिन नया प्रोडक्ट आ गया डी, मैं क्या करूं, प्लान में लिखा हुआ नहीं है, मैं चेक नहीं करूंगा। लोग रिजिड हो जाते हैं, खुद को बदलने को नहीं देखते, बस मुझे चेकलिस्ट की आदत हो गई, मैं 2 साल से चेकलिस्ट से काम कर रहा हूं, मैं इसी चेकलिस्ट पे चलूंगा। कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं, बस टिक मारते आते, भरते आते, क्यों है क्या है सोचना खत्म कर देते हैं। जो इनएफिशिएंट लोग हैं, दिमाग नहीं लगाते, उनके लिए अच्छा है, जो लोग दिमाग लगाना चाहते हैं और गलतियां पकड़ना चाहते, उसके लिए अच्छा नहीं है। एक प्लान सबको सूटेबल नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। नया नया प्लान डेवलप करना, हर कंपनी का बिजनेस देखकर, सिस्टम देखकर, रिस्क देखकर नया प्लान बनाना पड़ता है, दैट इज द प्रॉब्लम। रिजिड हो जाते हैं, एक मतलब एक, अरे चीजें बदल गई, आसपास की आसान, वो फिर बदलने को तैयार नहीं, बिना सोचे समझे लगाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं। गुड, जो लोग काम निपटाना चाहते हैं, गुड फॉर इनएफिशियंट पीपल, बैड फॉर द एफिशियंट पीपल, ठीक है। क्या ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पीरियोडिक रिव्यू, अभी हम लोग बता रहे थे भाई साहब, कंटिन्यूअस चीजें, वाई पीरियोडिक रिव्यू, लोग बदल जा रहे हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट आपका बदल चुका है, जीएसटी आपका बदल चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल चुका है, प्रोडक्ट बदल चुका है, बिजनेस बदल चुका है, बिल्कुल बदलना चाहिए। ये जो आपके पूरे जो प्लान प्रोग्राम है, सब कुछ पुराने के हिसाब से बने हुए थे, बिल्कुल बाहर से चीजें बदलती है, कंपनी के अंदर चीजें बदलती है, कंटिन्यूअसली चीजें बदलती है, डेफिनेटली बदलना ही बदलना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली बदलना चाहिए, करेक्ट। एग्जाम्पल दिया है वहां पे, भाई साहब कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया, आज से 2 साल पहले कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा थी, अब होम फाइनेंसिंग में आगे बढ़ चुकी है। अभी भी आप व्हीकल फाइनेंसिंग को इंपॉर्टेंस देके, 80% काम आप व्हीकल फाइनेंसिंग पे कर रहे हैं, 20% काम आप हाउसिंग फाइनेंस पे कर रहे हैं, लेकिन जबकि उल्टा हो चुका है, व्हीकल फाइनेंसिंग 20% हो गई है, हाउसिंग फाइनेंस 80% हो गया है, करेक्ट। एग्जाम्पल दे रहे उसका, बिल्कुल आपने बदलना चाहिए भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बदल गए हैं, करेक्ट। क्लाइंट ऑपरेशन इन द यूटिलिटी ऑफ, इसको आप बेहतर बता भी बना सकते हो, जब आप इसको बदलते रहो, आप इसको बदलते रहोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के हिसाब से, बदलते रिस्क लेवल के हिसाब से, बदलते फ्रॉड के हिसाब से, कहां पे सैम्पलिंग कम करनी है, कहां पे ज्यादा है, करेक्ट, तभी आप एक बेहतरीन ऑडिट कर पाओगे। कहीं कहीं पे लोग पहले क्या होते, रिजिड हो जाते, कभी कभी हम टीम को चलाते, प्लान के हिसाब से चलना है, प्लान के हिसाब से चलना है, प्लान के हिसाब से चलना है, तो लोग इतना प्लान के हिसाब से चलते, बहुत रिजिड हो जाते हैं, दे बिकम कंप्लीटली रिजिड। अब सिचुएशन बदल गई है तो भी बदलने को ही तैयार नहीं, फिर उनको समझाना पड़ता है, नहीं, अब प्लान के हिसाब से नहीं चलना है, नया प्लान आ गया, नया प्लान आ गया, नया प्लान आ गया, करेक्ट। तो इसलिए इसलिए पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए, पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए, प्लान को बदलते रहिए, बेहतर करते रहिए, तो ऑडिट को भी बेहतर होते रहे। तो पहले बताया बहुत जरूरी है एग्जाम्पल कि कैसे स्ट्रेटेजी पूरी गलत हो गई, व्हीकल फाइनेंस वर्सेस होम फाइनेंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने, करेक्ट, और कैसे लोगों को रिजिडिटी से बचाना पड़ेगा। दैट ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीजें हमको डॉक्यूमेंट करनी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, पहले स्ट्रेटेजी फिर प्लान फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस। पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, ओवरऑल ऑडिट प्लान क्या है, और फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये चीजें हमको बदलनी पड़ेगी। इसको कट कर दीजिए साहब, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई है, इंस्टीट्यूट ने इसको कवर नहीं किया है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, तो इसको आप कट कर दीजिए, ये आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो किस चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो इन चीजों को डॉक्यूमेंट हम लोगों ने करना चाहिए, फिर उसका और एक्सप्लेनेशन, बस थोड़ा थोड़ा उसी को और बताते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब क्या, कैसे
की डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन बाय दी की टेकन बाय दी सीनियर टीम मेंबर्स एंड पार्टनर्स टुगेदर, व्हाट आर इम्पोर्टेंट व्हाट आर नॉट इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स, ठीक है, दैट इज अवर ऑडिट स्ट्रेटेजी. इट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेट टू एवरी वन सो दैट सब एक डायरेक्शन में काम करें. फिर ऑडिट प्लान मतलब क्या, इसमें इट कंटेन्स डिटेल नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन इन इंडिविजुअल एरियाज, करेक्ट, इंडिविजुअल एरियाज. इट्स वेरी गुड, इट हेल्प्स इन सुपरविजन वेदर द टीम इज वर्किंग प्रॉपरली, इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग द वर्क ऑल्सो. गुड. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है, फिर ऑडिट प्लान होता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्या चेंजेस हुए बताइए, तीन तरह के चेंजेस, कंडीशंस हैव चेंज्ड, इवेंट्स है हुए हैं, रिजल्ट्स, इनको हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, बस उसी को और बता रहे. फिर प्लानिंग में DSR, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, ठीक है, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू. आप जब प्लानिंग करते हो तो आपको DSR, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, इसका भी प्लान करना पड़ता है. डायरेक्शन कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा, इसका भी DSR, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है. DSR के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है साहब, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू कौन करेगा, ठीक है, और कितना करेगा, कितना समझाना पड़ेगा, कितना सुपरविजन करना पड़ेगा, कितना रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है. डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किस पे डिपेंड करता है, साइज, जितनी बड़ी कंपनी, बहुत आसान सी बात है, जितनी बड़ी कंपनी उतना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा. कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है, एयरक्राफ्ट बनाने काम कर रहे, शिप बनाने काम कर रहे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी है, ठीक है, क्रूड ऑयल से 10 तरह की चीजें बनाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है. अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, करेक्ट भाई साहब, अगर कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स काम है ना भाई, ठीक है, तो फिर आपको DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा. एरिया ऑफ ऑडिट, ठीक है, एरिया ऑफ ऑडिट, कौन सा एरिया चेक कर रहे हैं, ऐसा एरिया चेक कर जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूमनस एरिया है, बहुत वॉल्यूम, सेल्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बड़े भयंकर बड़े लेवल पे वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वेरायटी है वहां पे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वेरायटी है, डेफिनेटली वहां पे DSR ज्यादा, ठीक है. शेयर कैपिटल कोई चेंज ही नहीं है, DSR कम. रिस्क कैसी है, व्हाट इज द रिस्क लेवल, रिस्क हाई है, DSR ज्यादा. DSR जैसे ही ज्यादा होगा, जैसे ही कोई रिस्क बढ़ जाती है, डेफिनेटली उस एरिया में ज्यादा टीम लगती है, सुपरविजन ज्यादा होता है, ज्यादा टीम, ज्यादा डायरेक्शन, ज्यादा सुपरविजन, बहुत सिंपल. बड़ी कंपनी, DSR ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी, DSR ज्यादा, एरिया के हिसाब से DSR ज्यादा, रिस्क के हिसाब से DSR ज्यादा, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर, उसका एग्जाम्पल भी दिया है. अगर अगर हमको दिखता है नई टीम है, इसमें बहुत सारे नए नए लोग हैं, अभी अच्छे से इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, अभी इतना इनको एक्सपीरियंस नहीं है, काम करते आता नहीं है, और अचानक उस एरिया में कोई फ्रॉड मिलता है, तो आप देखिए मैनेजर्स मैनेजर्स का मीटिंग, मैनेजर्स का काम करने में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो काम करना बढ़ जाएगा, डायरेक्शन देना बढ़ जाएगा, सुपरविजन बढ़ जाएगा, इन शॉर्ट इनडायरेक्टली वही पूरा काम करके दे रहा है, ऐसा होता है. तो समझा रहे, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी कैसी है, सरकमस्टांसेस कैसे है, उसके हिसाब से डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू बदल जाता है. प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑब्सोलेसेंस का पता चला, जैसे पता चला हमको, पता चला कि भैया टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, वी नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सीनियर ने मीटिंग में पार्ट लेना डिस्कार्ड कर लिया, ठीक है, पूरा काम करवा के दे रहा है, समझा रही है. तो इसमें DSR, तो DSR की भी प्लानिंग होती है. तो ये आपका प्लानिंग का पूरा, ये आपका ऐसे प्लानिंग भी था, और ऐसे 300 प्लानिंग भी है इसके अंदर, देयर इज अ प्लानिंग ऑल्सो, और इसमें चैप्टर भी आता है आपका, ठीक है. चलिए गाइस, फ्यू मिनट्स टू गो, ठीक है, 10-15 मिनट बाद आपका ब्रेक होने वाला है, 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे हम लोग, बता दीजिए 15 मिनट का ब्रेक लेना है कि आधा घंटे का. 15 मिनट का ब्रेक लेंगे तो 10:45 तक लेक्चर जाएगा, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे तो 11 बजे तक लेक्चर जाएगा, कितना ब्रेक चाहिए बता देना. ओके,
ध्यान देंगे। नाउ रिस्क, अलग अलग तरह की रिस्क क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा नोट्स पे आइए आप लोग। पेज नंबर 1.4 पे है। अलग अलग तरह की रिस्क कौन सी है, ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। रिस्क मतलब गलत चीजें होने के चांसेस, गलत चीजें होने के चांसेस, उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। आपके हाथ से गलती हो जाएगी, ठीक है, आपके हाथ से गलती हो, आपके हाथ से गलती, ठीक है, आपके हाथ से गलती हो जाएगी, दैट इज रिस्क, ठीक है। गाड़ी चलाते तो फिसलने के चांसेस है, देयर इज अ रिस्क। गाड़ी स्लिप होने के चांसेस है, देयर इज अ रिस्क। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डूबने के चांसेस है, देयर इज अ रिस्क, ठीक है। फिर बाहर निकलोगे तो कोरोना होने के चांसेस है, देयर इज अ रिस्क। सीए एग्जाम दोगे तो हो सकता है पास ना हो, देयर इज अ रिस्क, ठीक है। रिस्क होती है साहब, हर जगह रिस्क होती है, एवरीवेयर इन लाइफ, व्हाट एवर यू डू देयर इज अ रिस्क। रिस्क के बारे में मत सोचिए ज्यादा, अपना काम करते जाइए, रियल लाइफ की बात करो। अभी तो यहां पे देयर इज अ रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, तो देखिए बहुत आसान है। व्हेन यू गो टू ऑडिट, व्हेन यू गो टू ऑडिट इनिशियली फॉर सम टाइम अज्यूम दैट देर आर नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ऐसा अज्यूम कर लीजिए देर आर नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड यू विल अंडरस्टैंड इन विच एरियाज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कैन हैपन। कौन से एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, इन विच एरियाज इंडिविजुअली और अग्रीगेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन हैपन एट असर्शन लेवल, ठीक है। एक वर्ड वो लोग यूज करते हैं, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मतलब होता है चांसेस, ससेप्टिबल का मतलब ही होता है चांसेस। तो बहुत आसान है, किसी भी ऑडिट पे आते हैं इनिशियली थोड़े समय के लिए सोच लीजिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, और फिर देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल नेचर कि मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस कैसा है, एसेट लाइबिलिटीज कैसे है, सरकमस्टेंस कैसे समझेगा, और फिर आपको समझेगा कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है एट इंडिविजुअल अग्रीगेट एट असर्शन लेवल, उसको इनहेरेंट रिस्क आप मार्क करिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो रिटेल इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री में अगर थोड़े समय के लिए मान ले सिस्टम्स नहीं है, ध्यान रखना है, लोग नहीं है, सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां पे हो सकती है, कैश एंड स्टॉक, नजर हटी दुर्घटना घटी। कैश और स्टॉक में इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। ज्वेलरी में, प्यूरिटी ऑफ गोल्ड और डायमंड वैल्यूएशन में इनहेरेंट रिस्क है। कोचिंग क्लासेस में फीस कलेक्शन, बाकी सब कुछ तो फिक्स होता है, फीस कलेक्शन में सबसे ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। तो सभी ऑडिट में थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेंगे सिस्टम्स नहीं है, तो आपको रियल नेचर पता चलेगा, वो सब एरियाज को आप मार्क कर लीजिए इनहेरेंट रिस्क। जैसे जब आपको, आप आपके रूम में बैठे हो, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तब आप क्या करते हो, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका, आप अलग चीज करोगे, नहीं करे तो अलग चीज कर रहे हो उससे। तो जब थोड़े समय के लिए मान ले कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तब आप जो करते हो वो आपका रियल नेचर है, ठीक है, वो आपका रियल रूप है, ऐसे समझ में आता है। लेट्स फ्रीज। इनिशियली थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सिस्टम नहीं है, जिस एरिया में जहां पे आपको गलती होने के चांसेस मिले असर्शन लेवल पे, उसको हम लोग मार्क करेंगे इनहेरेंट रिस्क। सपोज 400 आइटम्स है, 400 आइटम्स में से 30 आइटम मिले हमको, 30 आइटम मिले इनहेरेंट रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क को कौन कॉम्पनसेट कर सकता है, अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। इनहेरेंट रिस्क को कौन कॉम्पनसेट कर सकता है, अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। गलतियों को रोक सकते हैं। आपको लग रहा है ना स्टॉक में गड़बड़ है, वीकली स्टॉक काउंट लगवा दो। वीकली स्टॉक काउंट लगवाओगे तो फ्रॉड करने वाला घबराएगा कि यार पकड़ा जाऊंगा, और फ्रॉड हुआ कि नहीं होगा, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, हफ्ते भर में आपको पता चल जाएगा किसने किया, वो पता चल जाएगा आपको। अगर आपको इनहेरेंट रिस्क को कॉम्पनसेट करना है तो अच्छे कंट्रोल्स चाहिए। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या, रिस्क मतलब गलत चीजें होने के चांसेस, चांसेस दैट कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। मतलब ठीक है, परचेस के अप्रूवल्स नहीं ला के रखे हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स नहीं है, गुड जब आते हैं तो जीआरएन नहीं बनाता कोई, डिटेक्टिव कंट्रोल्स नहीं, क्वालिटी चेक नहीं करता, डिटेक्टिव कंट्रोल नहीं है, कोई स्टॉक काउंट करके डिफरेंस को ठीक नहीं करता,
रिकॉर्ड्स वर्सेस एक्चुअल, मतलब करेक्टिव कंट्रोल्स नहीं, जब कंट्रोल्स, जब चांसेस दैट कंट्रोल्स विल फेल, दे विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको हम कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। दोनों कंबाइन करेंगे ना तो हमको समझ में आएगा क्या चांसेस है कि गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहुंच जाएगी। चांसेस दैट फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, बिफोर दे आर गिवन टू ऑडिटर फॉर ऑडिट, प्रायर टू गिविंग देम टू द ऑडिटर, चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होंगे बिफोर, ठीक है, बिफोर दे आर गिवन टू ऑडिटर, या फिर एट द टाइम दे आर गिवन ऑडिट के पहले गलती होने के जो चांसेस हैं, ऑडिट के पहले जो गलती होने के चांसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, एरियाज कितने रिस्की है और सिस्टम्स कितने वीक है, दोनों कंबाइन करके समझेगा कि गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, कौन से एरिया में गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच पाई। जैसे मैंने बोला 400 आइटम थे, 400 आइटम में से 30 आइटम में आपको क्या मिला, इनहेरेंट रिस्क, 30 में से 20 जगह सिस्टम्स अच्छे थे, 10 जगह नहीं थे, बस ये 10 एरियाज ऐसे हैं जहां पे गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी, वो बनता है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल, वो हमको वो जो एरिया है, ठीक है, वो जो 10 जहां पे कंट्रोल रिस्क भी है, वो हमारा दोनों दोनों चीजें है कंबाइन, उसको हमारा बनता है, ठीक है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बहुत आसान है, सिस्टम थोड़ी सा अज्यूम कर लीजिए बराबर नहीं है और फिर देखिए कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, सिस्टम नहीं है ऐसा मान लीजिए, देखिए कहाँ गड़बड़ हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क, सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है, रिस्क कंट्रोल रिस्क दोनों कंबाइन करेंगे, क्या चांसेस है गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये जो तीन चीज है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, लेफ्ट साइड का जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का पूरा बॉक्स है, ये मैनेजमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में है, ठीक है, कौन सा धंधा करना, कैसे धंधा करना, कहाँ पे लोकेशन में करना, कौन से लोग के साथ में करना, इनहेरेंट रिस्क उसके हाथ में, सिस्टम कैसे बनाना, कंट्रोल रिस्क उसके हाथ में, दोनों कंबाइन करेंगे आरएमएम उनके हाथ में। राइट साइड का जो पोर्शन है, ठीक है, राइट साइड का जो पोर्शन है, राइट साइड का जो पोर्शन है, ये पूरा ऑडिटर के हाथ में है। अब लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से, ठीक है, मैनेजमेंट के हाथ में, लेकिन जो राइट साइड का जो पार्ट है, राइट साइड का जो पार्ट है वो ऑडिटर के हाथ में, डिटेक्शन रिस्क, चांसेस दैट ऑडिटर की जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ऑडिटर की जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो गलतियों को पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, उसको हम लोग डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सर ये क्या होता है सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, चांसेस दैट ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो जाए कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग प्रोसेस की वजह से सैंपल छोटा रह गया, उसके वजह से अगर ऐसा है तो उसको सैम्पलिंग रिस्क हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, लेकिन उसने जो ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट की थी, अप्लाई की थी, वही बराबर नहीं थी, ऑडिट प्रोसीजर को बराबर अप्लाई नहीं किया था, या फिर अप्लाई करने के बाद में एविडेंस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था, सैम्पलिंग को दोष मत दो, ऑडिट प्रोसीजर को दोष दो, उसको जिस तरीके से अप्लाई, उस जिस तरीके से उसको अप्लाई किया उसको दोष दो, या सबूतों का आपने बराबर स्टडी नहीं किया उसको दोष दो, उसको हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ये सब कुछ किसके हाथ में है, ये सब कुछ आपके ऑडिटर के हाथ में है। तब लेफ्ट साइड मैनेजमेंट के हाथ में, राइट साइड ऑडिटर के हाथ में। अब दोनों कंबाइन कर दीजिए, आरएमएम, आरएमएम दोनों कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, पहले दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो समझ लेते हैं। दोनों इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं, मतलब जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे ऑडिटर इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतने बड़े सैंपल लेता है, इतने बड़े सैंपल लेता है, इतनी बड़ी सैंपल साइज लेता है, इतने बड़े सैंपल्स, इतनी बड़ी सैंपल साइज लेता है, इतनी ज्यादा मेहनत करता है,
कि उससे उसके हाथ से गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। जहां पे आरएमएम ज्यादा है वो इतनी मेहनत करता है कि उसके हाथ से गलती ना हो, जहां पे आरएमएम कम है ही कैन अफोर्ड टू रिलैक्स, रिलैक्स कर सकता है आराम, ठीक है अरे यार गलती होने के चांस कम है, इस एरिया को ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलता है। ऐसा करने से ही हम लोग एफिशिएंट इफेक्टिव बनेंगे। रिस्की एरिया में ज्यादा ध्यान देना होगा, गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, और जो कम रिस्की एरिया है वहां पे कम ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा इनवर्स रिलेशन रखोगे तो अभी आप एफिशिएंट इफेक्टिव बनोगे और स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग बने उसके लिए। एग्जाम्पल सपोज, ठीक है बारिश का सीजन चल रहा है, बहुत ही खराब पानी आ रहा है, म्यूनसिपालिटी ने बोला है, तो आप एक्वा गार्ड भी करोगे, एक्वा गार्ड भी करोगे, उसको बॉइल भी करोगे, उसमें आप केमिकल भी डालोगे। एक्वा गार्ड भी लिया आपने, एक्वा गार्ड भी लिया ठीक है, उस फिर आपने उसको बॉइल भी किया, फिर आपने उसके अंदर केमिकल भी डाला, सब कुछ किया आप लोगों ने, केमिकल भी डाला सब कुछ किया उसमें करेक्ट, फिर आपका फिर आपने छाना भी, फिर पानी पिया, रिस्क ज्यादा थी, आपने बहुत मेहनत की, डिटेक्शन रिस्क को कम कर दिया। हिमालय में गए आप, वहां का एकदम हिमालय में गए आप, हिमालय में गए और वहां पे हिमालय में, ठीक है हिमालय के अंदर एकदम झरन, बस बर्फ पिघल के झरनों का पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बस बॉटल निकाली और पी गए। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे मेहनत ज्यादा करो, डिटेक्शन रिस्क कम करो, जहां पे रिस्क कम है वहां पे रिलैक्स रहो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनवर्सली एडजस्ट करते हैं, वी एडजस्ट इट इनवर्सली, ठीक है दोनों को मिलाएंगे तो हमको ऑडिट रिस्क मिलती है। चांसेस दैट फाइनल ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर गोज रॉन्ग, फाइनल ओपिनियन ही गलत हो जाए उसको हम ऑडिट रिस्क, चांसेस दैट फाइनल ओपिनियन गोज रॉन्ग, जहां पे ठीक है गलतियां थी मॉडिफाई करना चाहिए था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी मॉडिफाई करना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्लीन देके आ गए, गलतियां हाथ से छूट गई, क्लीन रिपोर्ट देके आ गए, इसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क। गलतियां ठीक है, फाइनल ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन गलत होने के चांसेस, फाइनल ओपिनियन आपका गलत हो गया, जहां पे आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था वहां पे आप क्लीन ओपिनियन दे के आ गए, ऐसी गलती हो गई, उसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलते हैं। तो दोनों कंबाइन करेंगे वी गेट ऑडिट रिस्क, बात समझे आपको, लेफ्ट साइड मैनेजमेंट के हाथ में, राइट साइड ऑडिटर के हाथ में, दोनों कंबाइन किया ऑडिट रिस्क, फाइनल ओपिनियन गलत होने के चांसेस, ठीक है। रिस्क ऑफ, अब ये इक्वेशंस में आपको बता दूं, थोड़े से इक्वेशन, बहुत सिंपल से इक्वेशन है, ध्यान देंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से इक्वेशन है, ठीक है जो हम पढ़कर आए, जो पढ़कर आए वैसे भी आप जा सकते हो अपने हिसाब से। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क करोगे तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क को ऐड करोगे तो आपको ऑडिट रिस्क मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं आप, आरएमएम और वो चार्ट देखिए, चार्ट आप देखेंगे दोनों को मर्ज करेंगे तो आरएमएम मिल जाएगा, आरएमएम और डिटेक्शन रिस्क को करोगे तो ऑडिट रिस्क मिल जाएगा। सैम्पलिंग रिस्क नॉन सैम्पलिंग रिस्क को लोग इतना ज्यादा मतलब जनरली इतने पॉपुलर नहीं है वो इक्वेशन में, नहीं तो उनको भी इक्वेशन में कवर कर सकते थे लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है। फिर इससे अगर मैं इससे ये इक्वेशन बहुत पॉपुलर है, आरएमएम को रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क, तो आप चार्ट थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, अगर आप चार्ट थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा अगर आप चार्ट रिकॉल करेंगे तो बात बन जाएगी। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क डिडक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क, ठीक है सिंपल सा इक्वेशन है। अगर अगर आपको ऑडिट रिस्क पता है, ऑडिट रिस्क मटेरिटी जब तय करे तभी तय हो जाता है। सपोज ऑडिट ऑडिट रिस्क हम लोगों ने रखा, सोच समझ के हम लोगों ने ऑडिट रिस्क रखा सपोज, ठीक है 10% हम लोगों ने ऑडिट रिस्क रखा, 10% ऑडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क, ठीक है 40%, 40% है गलती होने के। कंट्रोल रिस्क 50% चांस है कि हमारे हाथ से कंट्रोल, कंट्रोल के हाथ से गलतियां छूट जाएगी, कंट्रोल फेल होंगे। बैलेंसिंग फिगर आपको डिटेक्शन रिस्क मिल जाएगा,
तो ये आपका 50%, यू कैन अफोर्ड टू कीप, डिटेक्शन रिस्क आप 50% रख सकते हो। बहुत ही सिंपल इक्वेशंस दिए थे, वो इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिए, आरएमएम का मतलब जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं। अब ऑडिट रिस्क के अंदर क्या नहीं आता, ये इंटरेस्टिंग है सब, ठीक है। नवंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर में ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। सुनिए मैंने क्या बोला था ऑडिट रिस्क में, ऑडिट रिस्क में ओपिनियन, चांसेस दैट ओपिनियन गोज रॉन्ग, एज चांसेस कि हमारा ओपिनियन गलत हो जाए, चांसेस कि हमारा ओपिनियन गलत हो जाए, फाइनल जो हमारा ओपिनियन है वही गलत हो जाए, वही गलत हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। लेकिन उसमें अब दो चीजें हो सकती थी, जहां पे आपने गलतियां थी वहां पे आप क्लीन दे के आ गए, और जहां पे सब सही था वहां पे आप मॉडिफाई करके आ गए। स्टैंडर्ड का क्या बोलना है, जहां पे सब सही था, सब सही था वहां पे आप मॉडिफाई करके आ गए, गलत बोल के आ गए, इसके चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल है। ऐसा कैसे होगा यार, जहां पे सब सही था फिर भी आप गलत ओपिन देके आ गए, ऐसा थोड़ी होगा। सब अच्छा रहते हुए भी आप गलत लिख कर आ गए, बिना गलती मिले आप कैसे करोगे, इसके चांसेस बहुत कम है, निग्लिजिबल, इसलिए उसको कवर ही नहीं किया। इसलिए ऑडिट रिस्क में क्या कवर नहीं होता, चांसेस कि वी गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन अ क्लीन ओपिनियन वाज रिक्वायर्ड, ये कवर ही नहीं होता, दिस इज नॉट कवर्ड। दूसरा, गलत ओपिनियन देने की वजह से, गलत ओपिनियन देने की वजह से, गलत ओपिनियन देने के वजह से, ठीक है, गलत ओपिनियन देने के वजह से जो इंपैक्ट होगा, ठीक है, गलत ओपिनियन देने के वजह से जो इंपैक्ट ऑडिट फर्म के ऊपर इंपैक्ट होगा, ठीक है, उसका लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, लॉस ऑफ बिजनेस होगा, उसके ऊपर पेनाल्टीज लगेगी, ऑडिट फर्म की जो बिजनेस रिस्क है वो कवर नहीं करता। ऑडिट रिस्क डजन कवर द चांसेस, द रिस्क दैट यू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन क्लीन ओपिनियन वाज रिक्वायर्ड, बिकॉज बहुत निग्लिजिबल चांसेस है ऐसा होने के, ठीक है। और दूसरा, ऑडिट फर्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी कवर नहीं करता, इट डजेंट कवर दैट ऑल्सो। लेट्स टेक अ ब्रेक।